फरीदाबाद 2 नंबर स्थित महावीर धर्मशाला में प्रजापति महासंघ फरीदाबाद ने 31 जोड़ों की शादी समारोह का आयोजन किया। शादी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का प्रजापति महासंघ के लोगों ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री विपुल गोयल ने प्रजापति संघ का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रजापति महासंघ ने जो 31 जोड़ों को सामूहिक विवाह सम्मेलन कराया है वह वाकई सराहनीय है। दिखाई दे रहा यह नजारा फरीदाबाद 2 नंबर स्थित महावीर धर्मशाला का है, जहां पर प्रजापति महासंघ जिला फरीदाबाद ने 31 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन कार्यक्रम रखा है। सामूहिक विवाह सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने शिरकत की। इस मौके पर प्रजापति महासंघ के जिलाध्यक्ष रामेश्वर प्रजापति व अन्य लोगों ने मंत्री विपुल गोयल का पगड़ी बांधकर स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री विपुल गोयल ने प्रजापति महासंघ के इस काम को सराहनीय बताते हुए कहा कि सामूहिक विवाह कराना बहुत ही सराहनीय काम है जो कि प्रजापति महासंघ के लोगों ने किया है। साथ ही मंत्री ने प्रजापति महासंघ द्वारा चलाए गए दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान को भी सराहनीय बताया। साथ ही मंत्री ने प्रजापति समाज को एक बड़ा तोहफा देने का वादा किया। साथ ही मंत्री विपुल गोयल ने आने वाले गणतंत्र दिवस को लेकर लोगों में देश के प्रति जागरूक करने के लिए कहा कि चाहे मंदिर मस्जिद गिरजाघर या गुरुद्वारा हो, इस 26 जनवरी को सभी में भारत का झंडा फहराया जाएगा। आज यहाँ पे प्रजापति समाज की पूरे फरीदाबाद की तरफ से 31 बेटियों की शादी का प्रोग्राम, सामूहिक शादियों का प्रोग्राम किया गया है। जो शादी का प्रोग्राम सामूहिक किया गया है वो दहेज प्रथा की कुरीति को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकने का कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे हैं विपुल गोयल जी। क्या कुछ कह के गए हैं, क्या कुछ समाज के प्रति बात आई? मैं विपुल गोयल जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरे समाज की हर समय ज़रूरत को पूरा करने की कसम खाई है और उन्होंने ज़रूरत पूरी करते रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद